विजयपुर शहर में महामारी कोरोना संकट के चलते सरकार के नियमों का हुआ उल्लंघन। लॉकडाउन के बावजूद भी चालू रहे कैंटीन। विजयपुर में कोरोना रूल्स ब्रेक। नगर के चौधरी अस्पताल के छत पर रहे कैंटीन में महानगर पालिका अधिकारियों की हुई रेड। कोरोना वायरस के चलते सरकार के नियमों की उड़ाई गई है धज्जियां। कैंटीन रह गए ओपन, तोड़े गए हैं रूल्स। चौधरी अस्पताल के कैंटीन पर नगर पालिका अधिकारियों द्वारा की गई है रेड। रायचूर शहर में सूरज नामी एक व्यक्ति और उनके दोस्तों की ओर से कोरोना महामारी संक्रमण के चलते गरीब लोगों में राशन का वितरण किया गया। अनाथ गरीब मजदूर लोगों में खाना बांटा गया। वार्ड के निवासी सूरज ने अनाज की व्यवस्था कर लोगों की मदद की है। सरकार द्वारा तो रायचूर में सहायता अब तक जनता को नहीं मिली है, जिस पर लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए अब नजर आने लगे हैं। कर्नाटका के यादगिरी शहर में कोरोना महामारी में बुधवार से लेकर 3 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन जारी किया गया है। यादगिरी और सुरपुर गांव में जरूरी सामानों के लिए तो टूट पड़ी है जनता। अधिकारी डॉक्टर राग प्रिया ने बुधवार से लेकर शुक्रवार सुबह 6 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। इस वजह से आज सुबह सामाजिक अंतर और कोविड नियम भूल कर अनाज और सब्जी के लिए टूट पड़ी जनता। सुरपुर में कपड़ों और सोने की दुकानों में चोरी किया जा रहा था व्यापार। इस दौरान लोगों ने उड़ाई है कोरोना नियमों की धज्जियां। अधिकारी की लापरवाही जिला और नगर में देखी जा रही है। ना पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, ना अधिकारियों का ध्यान है इस पर। नियमों का उल्लंघन करते बाजार में नजर आई अधिक मात्रा में लोगों की भीड़। कर्नाटका में स्थित बेलतंगड़ी के पास गांव में 25 से अधिक सील जानवर देखे गए हैं। कारवाली में बाघ में चंद्रमुख तूफान की वजह से नदियां खाइयां तूफान की लहर उठ रही हैं, जिसके चलते अभी सील जानवर भी नदियों में नजर आने लगे हैं। आसपास के लोगों द्वारा सील जानवरों को देखने के बाद इनका वीडियो बनाया गया जो अब काफी वायरल हो चुका है। चिकबल्लापुर शहर में महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से गरीबों की बुरी हालत सामने आ रही है। कोरोना दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन की घोषणा किए 1 हफ्ता गुजर चुका है। कामगारों की हालत खराब होती हुई दिख रही है। श्री रामपुर सेवा समिति की ओर से इस दौरान अनाज से भरी बोरियों से मदद की जा रही है। सरकार ने 10 बजे से जरूरी सामान खरीदारी के अलावा सब पर पाबंदी लगा दी है। जो सरकार गरीब लोगों को अनाज देती है उनसे उनका घर का चलना मुश्किल हुआ है। इसलिए श्री राम सेवा समिति की ओर से इस दौरान कोरोना नियमों के पालन करते हुए जरूरी सामान यानी कि तेल चावल सब चीजें देकर मदद की जा रही है। उनकी ओर से 500 से अधिक लोगों को फुटकेट देने की व्यवस्था की गई है। ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದಾಗ್ದಿರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ದಿರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೇ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗ್ಬೋದು, ಬಡವರಾಗ್ಬೋದು, ದಿನಕೂಲಿಯವರಾಗ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. कर्नाटक राज्य के KGF कोलार शहर में कोरोना वायरस के चलते पूर्व CM सिद्धरामैया और DK शिव कुमार द्वारा KGF में स्थित स्टेडियम में कोरोना फाइटर्स को मुफ्त में किट देने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिद्धरामैया ने कहा, चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी के कारण 36 लोगों की जान चली गई है। राज्य को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी सरकार के पास अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से राज्य में काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन हर घर में इस दौरान लॉकडाउन के चलते 10,000 राशि देने की उन्होंने बात कही। इसमें 20,000 से 30,000 करोड़ का खर्चा तो होगा। सरकार को इस दौरान लोगों की सहायता करने की उन्होंने बात कही और अपनी बातों की टिप्पणी करते हुए बोले सिद्धरामैया कि येडियुरप्पा अपने घर से लेकर तो नहीं दे रहे हैं, इसमें उनका कुछ नुकसान नहीं होने की बात कही। ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ
ತಜ್ಞರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। गुम्मट नगरी विजयपुर शहर में घटी है एक घटना जहां एक गर्भवती महिला सही रही है बिना इलाज के तकलीफ। विजयपुर जिले के बबलेश्वर गांव की निवासी गर्भवती महिला जिसका नाम हन्नम महुआ बताया जा रहा है, इस दौरान निजी अस्पताल और महामारी कोरोना के मरीजों की वजह से इन्हें अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, इस वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी और इसके बाद गर्भवती महिला को जलनगर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। फिर साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा डॉक्टरों का इंतजाम कर डिलीवरी भी की गई, मगर अफसोस कि इस दौरान बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितिया तालूक शाखे मान्य तहसीलदार मुखातर कर्नाटक राज्यपाल मनवियन सलक विषय खंडी लॉकडाउन के चलते नियमों का हुआ उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन की बनी कड़ी नजर। इसी के चलते विजयपुर शहर मुदीबिहाल तालुका के नालतवाड़ वार्ड में 20 से अधिक मात्रा में बाइक को सीज किया गया है और नगर के पीएसआई एमबी बिरादर द्वारा वाहनों के मालिकों को दंडित भी किया गया और कड़ी चेतावनी देने के बाद गाड़ियां छोड़ी गई। लॉकडाउन के चलते नियमों को तोड़ने वालों पर पुलिस कर रही है कड़ी कार्रवाई। कर्नाटका के यादगिरी जिले में भाजपा कार्यकर्ता रंगन गौड़ा पाटिल द्वारा अपनी ओर से कोरोना महामारी संकट से बचाव के लिए यादगिरी जिले के सुटपुर तालुका सहित अन्य आसपास के कई इलाकों में सैनिटाइजिंग का छिड़काव किया जा रहा है। अपनी ओर से जनता की भलाई के लिए इस कार्य में सामने आए भाजपा की कार्यकर्ता, जिस पर अब नगर के निवासी हुए खुश। यादगिरी जिले में लॉकडाउन की स्थिति में अपनी विचारधारा प्रकट करते हुए तालुका शासक राजू गौड़ा द्वारा ये कहा गया कि लॉकडाउन के हालत में भी कोरोना कम नहीं हो रहा है और सीएम से ये विनती करते नजर आए होनजगी तालुका के शासक, और उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि लॉकडाउन अगर आगे बढ़ाना सही है तो सीएम को यही करना चाहिए, हम परेशानी उठाने के लिए तैयार हैं। अब सरकार इस कोरोना से बचाव के लिए फैसला करे और जल्द से जल्द लॉकडाउन का निर्णय लेकर जनता को सुनिश्चित करने की उन्होंने इस दौरान बात कही है। पैकेज घोषणा या सरकार बहुत कष्ट नमगू गए इंत सदर्भली नम यूरप साहेब मेट निंत शक्ति सन्मान यद्यूरप साहेब आ यद्यूरप सर हर रिक्वेस्ट मे इे तौंद सरकार नमेंगे गए दयु ता विशेष प्याकेज घोषणे माँ लाकडौन मुं कंटिन्ू में रिक्वेस्ट मे या हल जन सर वर्ग हाद्रे कोरोना सायती मनल उपवास सायती अंत जन पाप और अड़ल हेकंतर अदर दयु ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇ ಆಜ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಸ್ ಇತ್ನಾ ಹೀ ಔರ್ ಲಗಾತಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬನೇ ರಹಿಯೇಗಾ ಎಸ್ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್।